अब बारी आती है फिफ्थ क्लास ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब नए पौधे को अभी तक तो हमने सीखा बीज से कैसे नया पौधा बनता है, अब हम देख रहे हैं कि दूसरे किस्सों से प्लांट्स के दूसरे से जैसे पत्तियों से इनसे जड़ से किस तरह से नया पौधा बनता है। न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। नया पौधा जो है वो पुराने पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि जड़ लाइक रूट्स स्टेम लीव्स जड़ तना और पत्तियों को बो करके भी उग सकता है। दिस मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नए पौधे का उसके किसी पेरेंट पौधे के वेजिटेटिव पार्ट से बनना नए पौधे का उगना क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। न्यू प्लांट्स फर्स्ट न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, जड़ों से नया पौधा कैसे बनता है। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैरेट डहलिया बीटरूट रेडिश टर्निप एंड स्वीट पोटैटो कैन प्रोड्यूस इन न्यू प्लांट। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सी हाउ डज ए न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम ए रूट। नया पौधा जड़ से किस तरह बनता है, रूट से कुछ पौधों की जड़ें जैसे कि कैरेट की डहलिया की बीटरूट की रेडिस की मूली की टर्निप की स्वीट पोटैटो की, तो इनकी जो जड़ें हैं उनको उगाने से नया पौधा बन जाता है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं कि नया पौधा जड़ से कैसे बनता है। एक्टिविटी पहला एम टू ग्रो ए न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। हमें क्या करना है, शकरकंदी आती है ना स्वीट पोटैटो उसको बोलते हैं, उससे नया पौधा कैसे बनाना है। पहला मेक टेक ए स्वीट पोटैटो एंड प्लेस इन ए ग्लास फुल ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ सम टूथपिक एज शोन इन द फिगर। हमें क्या करना है, स्वीट पोटैटो को लेना है और उसको एक गर्म एक भरी हुई पानी की ग्लास में क्या करना है, डुबो करना है, डुबो देना है और स्वीट पोटैटो की है उसकी है स्वीट पोटैटो को किस के अंदर क्या लगा देना है, टूथपिक, ताकि वो रुकी रहे। कीप द ग्लास इन एन ओपन स्पेस, एक ओपन स्पेस में ग्लास को रखते देना सो दैट इट कैन गेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट, जिससे कि उसको हवा और सनलाइट मिल सके। आफ्टर फ्यू डेज ए न्यू प्लांट ग्रोज आउट ऑफ इट, और हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि नया पौधा उसमें से उगाएगा। कंक्लूजन, सम रूट्स कैन ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स, कुछ जड़ें नए पौधे में बन सकती है जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है। अब न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि न्यू प्लांट भूमिगत, अंडरग्राउंड भूमि के नीचे जो तना होता है उससे अंडरग्राउंड स्टेम लाइक ऑनियन जिंजर एंड पोटैटो कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं जैसे कि प्याज अदरक और जो आलू, इनको इनसे हम नया पौधा उगा सकते हैं। पोटैटो एंड जिंजर हैव बर्ड्स ऑन देयर सरफेस, अदरक के और आलू के बर्ड्स होते हैं, कलियाँ होती हैं उनके सरफेस के ऊपर। ईच बर्ड्स ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स, हर बर्ड जो होता है वो क्या होता है, उसे नया पौधा उगता है अंडर सूटेबल कंडीशन, अगर उसको सूटेबल कंडीशन मिले। द बर्ड्स ऑफ द पोटैटो आर कॉल्ड आइज, जो पोटैटो की जो बर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइज बोलते हैं, आलू की आँख बोलते हैं। एनी पीस ऑफ द पोटैटो विद एन आई कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, पोटैटो का कोई भी पीस लो जिसके साथ आई हो आँख हो उसका एंड इनटू न्यू प्लांट, उससे हम नया पौधा उगा सकते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर हम आलू को थोड़े दिन भी रखते हैं तो आलू क्या हो जाता है, उगा आता है, तो उसको हम बोलते हैं उसे नया पौधा, अगर हम उसको ज़मीन में बोएं तो हमारा नया पौधा उग जाता है। इसी तरह से प्याज का अदरक का और आलू का भी प्याज अदरक और आलू तीनों को अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं और इनको हम उगा सकते हैं। अब आ रही है न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम, किसी पौधे का नया तने को बोकर भी हम नया पौधा उगा सकते हैं। इन सम प्लांट लाइक रोज हिबिस्कस कॉटन मनी प्लांट एंड सुगर केन, न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ ए स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट। इन कुछ पौधे जैसे कि गुलाब हिबिस्कस कॉटन मनी प्लांट और सुगर केन, इनमें से नया पौधा हम उस पौधे के छोटे से तने को काट करके, पेरेंट प्लांट के छोटे छोटे तने को काट करके बो करके उगा सकते हैं। दिस पीसेस आर कॉल्ड द स्टेम कटिंग, इन पीसेस को हम बोलते हैं स्टेम कटिंग एंड दे हैव वन और टू बर्ड्स ऑन दैम, इनके अंदर एक या दो बर्ड्स होते हैं। इफ़ यूर प्लांट स्टेम कटिंग इन टू द सॉइल, अगर आप स्टेम कटिंग को उसके तने के छोटे से टुकड़े को मिट्टी में बोएंगे, आफ्टर फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद इट ग्रोज इन टू ए न्यू प्लांट एज सोन इन द गिवन फिगर, जैसे कि पौधे डायग्राम में बताया गया नया पौधा उग जाएगा। जैसे पहले बारे में देखो, रोज का स्टेम काटा, कलम इसको हम कलम भी बोलते हैं, गुलाब का तना काटा उसको बो दिया, थोड़े दिनों बाद उसके अंदर पत्ते आने लगते हैं, फिर रोज प्लांट आकर के उसमें फूल भी आ जाते हैं। अब है न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से नया पौधा कैसे उगता है। प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम हैव बर्ड्स ऑन देयर एजेस, मार्जिन्स भी बोलते हैं इसको, जो प्लांट्स के जो जैसे ब्रायोफिलम प्लांट है उसकी पत्तियों के किनारों किनारों पर क्या होते हैं, एजेस होती है, जिनको हम बर्ड्स भी बोलते हैं। बर्ड्स एजेस की फॉर्म में होती है ऑन ऑफ देयर लीव्स, उनकी पत्तियों के ऊपर। व्हेन सच लीव्स आर कैप्ट इन द मॉइस्ट सॉइल, जब इन पत्तियों को गीली मिट्टी में बोया जाता है, बर्ड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स एज शोन इन द फिगर, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है वो पत्तियाँ उगना चालू कर देती है। जैसे इनके किनारों किनारों के ऊपर क्या होता है, बर्ड्स होते हैं, वो किनारों किनारों पे जो बर्ड्स होता है अगर उनको गीली मिट्टी में बोया जाए तो उनसे नया पौधा बन जाता है। धीरे धीरे वहाँ से बर्ड्स निकल ग्रो होने लगती है, बर्ड से नया पौधा ग्रो हो जाने लगता है अगर हम उसको मिट्टी में बो दें तो। अब है न्यू प्लांट्स फ्रॉम द स्पोरेज,
स्पोरस से नया पौधा कैसे बनता है। सम प्लांट्स सच एज फर्न एंड मॉस डू नॉट हैव फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स जैसे कि फर्न और मॉस, इनके फूल नहीं होते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, उनके बीज भी नहीं बनते हैं। दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोरेज एंड ईच स्पोरे कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। वो छोटे छोटे स्पोरे बनाते हैं, जो हर स्पोरे क्या होता है, एक नया पौधा बनता है। इन्फांस स्पोरेज आर प्रेजेंट इन ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड द सोरी ऑन देयर लीव्स। इन्फांस में जो है वो स्पोरेज जो होता है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिनको हम सोरी बोलते हैं, और ये इनकी पत्तियों के ऊपर होता है। जैसे कि इनके एग्जाम्पल में बताया गया है कि पत्तियों से जो पौधे स्पोरेज से पौधे बनते हैं उनमें फ्लावर नहीं आते हैं।